आप सभी दोस्तों का भी हार्दिक अभिनंदन मेरे YouTube चैनल से जी टूर विद विकास पे। और चलिए मित्रों, आजकल पता है मेरा मोबाइल बहुत हिलने लगा है, तो मैं पहले बैठ जाता हूँ और ऐसे दिख बहुत कम रहा होगा क्योंकि मैं अभी जस्ट हूँ सरोदा बांध पे। और बांध पे पहले हमेशा की तरह मैं बता दूँगा, बांध तक आने के लिए आप कवर्धा से आ सकते हैं, कवर्धा से भोरमदेव चले जाइए। भोरमदेव से भी 11-15 किलोमीटर है और वो बेस्ट है। भोरमदेव चाहे भोरमदेव से सरोदा बांध आए, सरोदा बांध से भोरमदेव जाओगे तो रात हो जाएगा। हमेशा सुबह मॉर्निंग में जाके भोरमदेव चले जाइए, वहाँ से फिर आप सरोदा बांध आ जाइए और फिर रिटर्न चले जाइए, सबसे बेस्ट टूर ही रहेगा। या अगर आपको आना है तो आप राजनांदगांव होते हैं, राजनांदगांव से करीबन 50 किलोमीटर आगे आएंगे, उसके बाद राजनांदगांव मतलब गंडई से 50 किलोमीटर आगे आएंगे तो लेफ्ट साइड पर रोड गया है, वो भी आपको सरोदा बांध तक ले आएगा। और सही सभी जानकारी आपको मैप में मिल जाएगी क्योंकि आसपास पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगा, गूगल मैप SAT सही यहाँ पर ला के छोड़ेगा आपको। और ये था यहाँ तक के आने का रास्ता, बाकी वायु मार्ग सब मार्ग से आप आ ही सकते हैं, कैसे जिस जैसे मार्ग में आए, लेकिन बाइक में आएंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि पहाड़ियों का देखने जा रहा आपको बहुत अच्छा मिलेगा। चलिए बहुत हो गई ज्ञान की बात, अब आपको दिखाता हूँ सरोदा बांध। और उससे पहले वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आपसे उम्मीद है कि आप वीडियो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब आपको सरोदा बांध दिखाता हूँ पूरा। मैं ये देखिए, ये सरोदा बांध पूरा जंगलों से लगभग घिरा हुआ है, और अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो यहाँ पे अलग से एक वृंदावन करके गार्डन बना हुआ है, देख सकते हो आप कितना प्यारा गार्डन है, दूर से ही कितना अच्छा लग रहा है वो। ये और पूरा एरिया आप देख रहे हो, पूरा एरिया पहाड़ों से घिरा हुआ, और मेरे ख्याल से ये छत कवर्धा में शायद नैकाल श्रेणी या मुझे कन्फर्म तो नहीं है लेकिन कोई श्रेणी ज़रूर आती है। वो देखिए पूरा उस श्रेणी से पूरा तरह से ये डैम घिरा हुआ है, पूरा लगभग घिरा हुआ है ये एरिया। और ये हमेशा की तरह बोलता हूँ ना, फिशरी होती है आजकल पता नहीं, मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ या भारत के सभी जितने भी डैम हैं सभी जगह पे ये फिशरीज हो रही हैं। कुछ कुछ डैम छूटे हुए हैं, जैसे बालोद जिला मेरे ख्याल से हमारा बोडी डैम में ऐसा नहीं हो रहा है, बाकी लगभग बालोद जिला के सभी डैमों में इस तरह के जो हैं वो सभी हो रहे हैं, मतलब सभी डैम छत्तीसगढ़ से बाहर जितने भी डैम हैं सोलार पैनल और ये फिशरीज वाला काम चल रहा है लगभग। और चलिए बांध के पास वहाँ पर चलते हैं, देखते हैं बांध की जानकारी क्या क्या है। ये इसके जलाशय की जानकारी है, लगता है 2-3 बार इसको पेंट करके वापस किया गया है इसलिए मिट गया है लगभग ये। और देखने से दोस्तों तो ये लग तो नहीं रहा जैसे हमारे पालो जिले में अपने तांदुला डैम है, मधुमक्खियों से सावधान सरोदा जलाशय परियोजना, हो सकता है मधुमक्खी बहुत है। और वैसे देखिए ये जो रिज़र्व मतलब ये यहीं से है जो पानी अंदर सप्लाई होता है, और वो जो यहाँ आसपास जितने भी जगह हैं उन सब जगहों पर जैसे पानी जो सप्लाई करते हैं वहाँ पे जाता है वो, और जो मुख्य वहाँ पर जहाँ पे लोग फ़ोटो खिंचाते हैं वो यहीं पे है, सो कि सरोदा वहाँ पे लिखा हुआ है, लगभग लोग वहीं पे इस जगह पे आके फ़ोटो जो खिंचवाते हैं। और देखिए मछली पालन नाविक लोग यहाँ पे मछली पकड़ रहे हैं, और पिकनिक के लिए तो बेस्ट है दोस्तों क्योंकि आसपास पूरा एरिया जंगलों से घिरा हुआ है तो लकड़ी वकड़ी के लिए आपको दिक्कत नहीं जाएगा, क्योंकि देखिए इधर लोग आ रहे हैं लंबर, लोग दूर दूर से यहाँ पर घूमने आते हैं। और आज तो पता नहीं कतई गर्मी है लेकिन ठंड भी है साथ में। बांध में आने के निर्देश, बांध पर नहर संचालन प्लेटफॉर्म पर प्रवेश निषेध है, कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जलाशय भ्रमण के समय सजग एवं सतर्क करें, बच्चों का ध्यान रखें, उन्हें अकेला ना छोड़ें, इन निर्देशों का पालन जरूर करें आप। और ये देखिए यहाँ पर तो मेरे ख्याल से ये नाविक लोग का है, ये मछली पकड़ने वालों का है, सब कुछ बना रहे होंगे, हो सकता है आवाज़ आ रही क्योंकि यार पता नहीं आज मोबाइल को ना भूत भूत पकड़ा है भूत। और इस साइड से देखिए वहाँ पे लोग हैं, शायद पार्टी वार्टी का प्लान चल रहा है, और मैं तो अकेले घूमता हूँ तो क्या है पार्टी का प्लान करूँगा। और देखिए ये यहाँ से ही ये दिख रहा है ना आपको, यहाँ नीचे जो ये जो ये है ना, यहाँ से नीचे से पूरा पानी जाता है, और वो देखिए यहाँ वहाँ से पानी निकलते हुए मतलब नहर जो होता है ना आसपास जो खेती वेती के लिए, क्योंकि बारिश अब ख़त्म हो गया और गर्मी ठंड का सीज़न चल रहा है लेकिन कुछ दिनों से गर्मी अभी छत्तीसगढ़ में, तो हो सकता है अभी पानी लगातार खेतों में सप्लाई हो रहा है क्योंकि फसल कट के अब दूसरी फसल अब लग चुकी है, देख सकते हैं लोग जुताई का काम चल चुके हैं। चलिए धीरे से वृंदावन गार्डन भी देखते हैं अपन, और बाकी एरिया तो बढ़िया है देख सकते हैं दूर दूर तक। चलिए अब गार्डन की ओर चलते हैं, ये बच्चे लोग भी डैम का मज़ा लेने आए हैं। और आप विश्वास नहीं करो दोस्तों, मैं ऐसा ये दिख रहा है ना घाटी टाइप, इस घाटी को क्रॉस करके आऊँ, अब अकेले आया हूँ तो आपको एक हाथ से चला के दिखाता लेकिन रिस्क लेने का भी कोई शौक नहीं। और यहाँ पे देखिए एक मंदिर भी, मेरे ख्याल से दूर से देख के लग रहा है कि वो हनुमान जी का मंदिर है, और ऊपर जा सकते हैं, ऊपर जाने का रास्ता तो दिया हुआ है, चलिए ऊपर जा के देखते हैं कहाँ तक जाता है ये। दोस्तों
दोस्तों वो मुझे लग रहा था थोड़ा ऊपर जाने को होगा, लेकिन नहीं नॉर्मल है, बच्चे लोग तो बस देखिए हमें फ़ोटो वोटो सेशन चल रहा है सतनी कौन से स्कूल के आसपास। और ये यहाँ पे का फ़ोटो पॉइंट है, देखिए अब उस किनारे पे जाके एक तरफा बेस्ट बेस्ट फ़ोटो डैम खिंचवा सकते हैं, एकदम बेस्ट फ़ोटो आएगा वहाँ पे। मैं कम से कम 25-50-100-2000 फ़ोटो तो नहीं लूँगा, 5-6 तो लूँगा ही। और देखिए ये अब चलिए फिर उस घाटी को क्रॉस करके वृंदावन गार्डन चलते हैं, आपको गार्डन दिखाता हूँ, क्योंकि फैमिली के साथ अगर आप आते हो तो किस तरह से आप उस गार्डन में जाके बच्चों जो मेन जो बच्चे रहते हैं बच्चे डैम को देखने के बाद जो उनको टाइम पास चाहिए रहता है वो उस गार्डन पे मिल जाएगा। तो चलिए अपन गार्डन को देखते हैं, गार्डन में क्या क्या है, उससे पहले मुझे वो घाटी क्रॉस करनी है। चलिए मित्रों उस खतरनाक घाटी को क्रॉस करने के बाद अपन देखिए वो लिखा है सरोदा जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना कबीरधाम छत्तीसगढ़। और जस्ट नीचे उतरने के बाद अब इधर है पीछे वृंदावन उद्यान, चलिए उद्यान के अंदर चल कर देखते हैं क्या क्या इसमें कुछ खास है फैमिली के लायक, मतलब वैसे फैमिली के लायक ही बनाया क्योंकि दूर दूर से कवर्धा मेन आसपास देखा जा सकता है टूरिज्म कवर्धा में ही है, बहुत सारे चीज़ हैं यहाँ पे, छेरकी महल, मड़वा महल, कवर्धा, कवर्धा पैलेस हो गया और बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए बच्चों के खेलने के लिए मस्त गार्डन बना हुआ है। और मुझे याद है पिछले बार में वहाँ पे मेरे को मधुमक्खी नहीं, अरे मधुमक्खी के भाई होता है ना जो पीले कलर का रहता है ददैया, ददैया ने मुझे मस्त काटा था ज़ोरदार। एक वहाँ पे ऊपर से बना हुआ, चलो ऊपर से जाके देखते हैं कैसा है। और ये देखिए ये है वृंदावन उद्यान, कितना आप जितना आपको ये वीडियो पे अच्छा लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा अच्छा इसको देखने में लग रहा है, मतलब इतना साफ सफाई रखे हैं तो कितना नेचुरल लग रहा है। उधर देखो पेड़ वेड़ सब बढ़िया, बच्चों के झूलने के लिए गार्डन, बड़ों के लिए देखिए यहाँ फाउंटेन भी है। हाँ फिलहाल तो बंद दिख रहा है वो, लेकिन हो सकता है रात को ओपन होता हो। और देखिए वहाँ यहाँ से बांध का नज़ारा, काश यार पान का पानी भी यहाँ से दिख रहा है, वहाँ से कपल दिख रहे हैं, देखिए 10x जूम का फ़ायदा। वाह यार मतलब सच में यार ऐसा व्यू देख के भी आप ना यार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो बता मज़ा कैसा आएगा। तो जल्दी से जल्दी वीडियो दोस्तों चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। और देखिए वो वहाँ से मैं आया हूँ, वहाँ पे एक घाटी थी उसको क्रॉस करके, क्या लग रहा है यार, मतलब आप यहाँ नहीं आए तो फिर कहाँ ऐसा हो जाएगा आज का आपके लिए। तो इस वीडियो को देखने के बाद भी आप यहाँ नहीं आओगे तो क्या मतलब छत्तीसगढ़ में रहने का, इतनी खूबसूरत जगह भी अगर आप घूम नहीं पा रहे हो तो। भारी थक गए हो लगा तुम तो, काला काला पहाड़ वाला तोड़ क्या होगा, पहाड़ तोड़ क्या होगा, भारी थक गए हो तो। अरे चादा चलिए मित्रों यह था सरोदा बांध, बहुत ही बढ़िया जगह। और मैं तो अभी गार्डन से बैठा हूँ, थोड़ा और बैठूंगा फिर निकलूंगा। और आपसे उम्मीद है कि आप जरूर मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़रूर आएंगे सरोदा बांध। चलिए मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय जोहार जय छत्तीसगढ़। और बच्चों के साथ इंजॉय के साथ मैं करके ही निकलूँगा, तो जब तक टाटा।